हाँ जी बच्चों, अब हम करते हैं 2016 सेट वन, जिसका कोड है 55/1/S। टॉपर की आंसर शीट, कैसे टॉपर जो 70 out of 70 मार्क्स लेते हैं वो कैसे आंसर्स लिखते हैं। सीरीज चल रही है ONS, ये हमारे पास 2016 का पेपर और कोड नंबर है ये। ये आपको आंसर शीट में बाद में भरना पड़ेगा। यहाँ पर आप अपना रोल नंबर लिखना अपने क्वेश्चन पेपर में। अब हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। प्लीज चेक दैट दिस क्वेश्चन पेपर हैज 16 प्रिंटेड पेजेस। कोड नंबर इज गिवन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द क्वेश्चन पेपर, शुड बी रिटन ऑन द टाइटल पेज ऑफ द आंसर बुक ऑफ द कैंडिडेट। और टोटल हमारे पास 26 क्वेश्चन हैं। सीरियल नंबर क्वेश्चन का जरूर लिखना है। 15 मिनट्स देंगे आपको रीडिंग के लिए। द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट 10:15, 10:15 to 10:30। द स्टूडेंट्स विल रीड द क्वेश्चन पेपर ओनली एंड नॉट राइट एनी आंसर। नाउ द टाइम अलॉटेड इज 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स इज 70। जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। देर आर 26 क्वेश्चन इन ऑल। 5 सेक्शन हैं, A, B, C, D और E। ए में 5 क्वेश्चन 1 मार्क ईच, बी में 5 क्वेश्चन 2 मार्क ईच, सी में 12 क्वेश्चन 3 मार्क्स ईच, डी इज 1 वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स, सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स ईच। There is no overall choice. However, an internal choice has been provided in 1 question of 2 marks, 1 question of 3 marks, and all the 3 questions of 5 mark each. Okay? ये कुछ constants हैं जिनकी values आपको already पता होनी चाहिए. Okay? Now, ये हमारे पास answer sheet शुरू हो जाती है. सबसे पहले आप लिखोगे subject. ये photocopy CBSE की इतनी clear नहीं है. फिर हमारे पास code, फिर day, date. मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कोड नंबर जो ऊपर देखा था, सेट आपका कौन सा है, 1, 2, 3 या 4, यहां पर 1 है। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री शीट यूज्ड, 1, 2, 3 वगैरह वगैरह। एंड अगर डिसेबिलिटी है तो यस, नहीं तो नो। ओके, नाउ फिजिकली हैंडीकैप बच्चों के लिए, राइटर अगर प्रोवाइडेड है तो, ज्यादातर बच्चों के लिए नहीं होता है। दिस इज नॉट फॉर यूज फॉर यू। क्वेश्चन पेपर शुरू। सेक्शन ए 5 मार्क्स, 1 मार्क ईच क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन। 2 वायर्स, वन ऑफ कॉपर अदर ऑफ मैंगनीज, हैव द सेम रेजिस्टेंस एंड इक्वल लेंथ, विच इज थिकर एंड वाई। ये देखो आंसर, आप पढ़ना। पहले बच्चे ने बताया है आर इज रो एल बाय ए, फिर रेजिस्टिविटी एल अपॉन ए फॉर 1 रेजिस्टेंस, मैंगनीज का इधर, कॉपर का इधर, और फिर उन दोनों का डिवाइड करके रेशियो देख लिया। सो रेजिस्टिविटी ऑफ मैंगनीज ज्यादा है तो एरिया ऑफ मैंगनीज ज्यादा है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द पावर फैक्टर ऑफ एसी सर्किट इज 0.5, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। पावर फैक्टर इज आंसर में कॉस फाइव इज हाफ पावर फैक्टर, तो फाइव कम्स आउट टू बी पाई बाय 3 या 60 डिग्री। नेक्स्ट, इन विच सिचुएशन इज देयर अ डिस्प्लेसमेंट करंट बट नो कंडक्शन करंट। कोई कंडक्शन करंट नहीं है और सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है। व्हेन देयर एग्जिस्ट्स अ टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग, ये अभी नजर नहीं आ रहा, देयर एग्जिस्ट्स अ डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम वेरिंग करंट से बट नो कंडक्शन करंट बिटवीन द प्लेट्स। ओके, नेक्स्ट हमारे पास, हर क्वेश्चन पहले हिंदी में होगा फिर इंग्लिश में होगा, तो ध्यान देना यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है। ओके, ये गेट्स बताने हमारे पास पी और क्यू। पी हमारे पास नॉट गेट और क्यू हमारे पास और गेट, सिर्फ शेप से बता रहे हैं हम। रिलैक्सेशन टाइम की 1 नंबर की डेफिनेशन। सेक्शन बी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस, 5 हमारे पास। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये आंसर आप पढ़ लेना। हाउ इज दिस प्रॉपर्टी यूज्ड इन एक्चुअल प्रैक्टिस, एक्चुअल प्रैक्टिस टू प्रोटेक्ट डिवाइसेस। इज द पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर 0, पोटेंशियल 0 नहीं होगा, नॉन जीरो होगा। द पोटेंशियल इनसाइड द कैविटी इज नॉट 0 बट सम कॉन्स्टेंट वैल्यू। 7th, 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये देखो 1 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टी लिख दिए। हाउ कैन वी शो दैट दे कैरी मोमेंटम, दे कैरी मोमेंटम का प्रूफ। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ब्रीफली द अंडरलाइन प्रिंसिपल ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई, इसका प्रिंसिपल लिख देंगे, दैट इफ इलेक्ट्रॉन हैड अ वेव नेचर देन इट कुड बी डिफ्रैक्टेड। ओके, व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। लैम्डा इज एच अपॉन अंडर रूट 2 mke,
ये वैल्यूज पुट करके हमारे पास आता है 1.121 इंटू 10 की पावर -10, या हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं 12.27, या लैम्डा इज 1.227 एंगस्ट्रॉम अपॉन अंडर द रूट, वोल्टेज कितनी है वी इज इक्वल टू 120, इज इतना। नेक्स्ट, ट्रांसड्यूसर की का फंक्शन, ये ट्रांसड्यूसर का फंक्शन टू कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अदर, और रिपीटर का फंक्शन, ओके ये रिपीटर का फंक्शन है दो तीन लाइंस का, आप इस वीडियो को रोक रोक के देख सकते हो। देन हमारे पास 10th क्वेश्चन, ये हिंदी में ऊपर और ये इंग्लिश में, ये सॉरी हिंदी में अभी चल रहा है, और इसमें हमारे पास चॉइस है ग्राउंड वेव स्टेट ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इट्स बोर रेडियस इज इतना, द एटम इज एक्साइटेड टू बिकम्स इतना, रेडियस इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन एक्साइटेड स्टेट। या हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 275 नैनोमीटर के लिए कौन सा आएगा, तो आप ये कुछ वैल्यूज नैनोमीटर्स की आप याद कर लेना और उनकी करस्पॉन्डिंग एनर्जीज। सो एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज एच सी बाय लैम्डा से कैलकुलेट कर रखा है, ओके आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ई इज एच सी बाय लैम्डा इन जूल्स अपॉन ई इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपका होमवर्क है, और आप सिर्फ क्या करोगे, इस वैल्यू को सिर्फ लैम्डा से डिवाइड कर दोगे, लैम्डा इज 275, ओके ये रहा 275 नैनोमीटर। नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी में हमारे पास 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन की ये रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप डिराइव करनी है, व्हाट इज द डायरेक्शन अपोजिट टू पी, ये पूरी डेरिवेशन आपको आती होगी, बहुत बार करी होगी आपने ये रही। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, इसको पढ़ना और इसका आंसर पढ़ना, और फिर रेशियो निकाला हुआ है। 13th क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, इंटेंसिटी बताएंगे, पहले इंटेंसिटी रिफर्स टू द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, फिर प्लॉट करना है ग्राफ, I1 और I2 हमारे पास अलग अलग हैं, हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी न्यू, तो ये रहा I1 और ये रहा I2, सेम फ्रीक्वेंसी पे जा रहे हैं, और थर्ड फ्रीक्वेंसी न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू, ये रहा हमारे पास न्यू 1 के लिए, ये रहा ग्राफ आ गया। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कर्व्स ऑन द बेसिस ऑफ आइंस्टाइन इक्वेशन के बेसिस पर ये वाली कर्व्स हमको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये आप पढ़ सकते हो। नाउ 14th क्वेश्चन, ये हमारे पास एलईडी के बारे में एक्सप्लेन ब्रीफली, ये रहा हमारे पास एलईडी, फिर विच सेमीकंडक्टर इज प्रेफर्ड फॉर एलईडी, ये 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड वगैरह, सारे के सारे फॉस्फाइड्स, फिर थर्ड पार्ट एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, रगेडनेस, हाफ लाइफ, एनसीईआरटी के आंसर्स हैं, लो पावर कंजम्पशन। 15th क्वेश्चन, ये आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो और आंसर पढ़ सकते हो करस्पॉन्डिंग, सीधा सीधा टू द पॉइंट आंसर्स हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड इम्पीडेंस, तो कैपेसिटेंस निकाली है पहले, फिर इम्पीडेंस निकाली है, रेजोनेंस पे होगा तो आर के बराबर आ रही है, फिर कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इज वी आई कॉस 0 या आई स्क्वायर आर, जो मर्जी निकाल सकते हो आप, या वी स्क्वायर बाय आर। 16th क्वेश्चन, प्रिज्म का क्वेश्चन, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू द एंगल ऑफ द प्रिज्म, ये कंडीशन है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ द प्रिज्म, मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू एंगल, ये यहाँ पे पुट कर दिया, ये हमारे पास आ गया, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्रीज। दूसरा, ड्रॉ ए डायग्राम व्हेन इंसिडेंट
ray falls normally to one of the equal sides of a right angled isosceles having refractive index mu 0.3. Here हमारे पास right angled ये 90 degree 45 45 ये 90 पे आ रही है तो TIR लेगी. ओके इसका IC निकाल लिया हमने 35 degrees आ रहा है और हमारे पास I कितना है 45 degree तो TIR हो जाएगा इसका. 17th question binding energy का. Which property of nuclear force explains ये binding energy का graph? Plot a graph मतलब plot a graph. Showing binding energy per nucleon era as a function of mass number era. Which property? तो ये property आ गई. Is explained nuclear force is short ranged. How does one explain the release of energy? Release of energy explain करनी है. इधर से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे fusion, यहाँ से यहाँ तक fission. दोनों में energy release होगी. यहाँ पे binding energy per कम है per nucleon, यहाँ पे ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे ज़्यादा. Era reason. फिर ड्रॉ द सर्किट डायग्राम. देखो ये हमने सर्किट डायग्राम बनाया है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर एस एनपीएन ट्रांजिस्टर का. फिर इस बच्चे ने डिराइव नहीं किया है. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द करंट गेन बीटा एसी. सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये डिराइव नहीं किया हुआ. 19th क्वेश्चन है नेम द फिनोमिना इन विच द वर्किंग ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज बेस्ड. सिर्फ नेम करना है, ये रहा आंसर. वॉट आर द नेसेसरी कंडीशंस conditions for TIR. हमारे पास optically denser to optically rarer जानी चाहिए और angle of incidence must be greater than the critical angle. Draw a label diagram of optical fiber. ये रहा labeling कर रखी है. Mention any three applications of internet. अब हमारे पास syllabus में ये question by chance नहीं है 2018 के लिए. नेक्स्ट 21st क्वेश्चन. टू हार्मोनिक वेव्स a cos ओमेगा टी प्लस फाइव आर सुपर इम्पोज. शो दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी इज फोर टाइम्स द इंटेंसिटी ड्यू टू ईच स्लिट. हेंस राइट द कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन टर्म्स ऑफ फेज एंगल फाइव. ये हमारे पास डेरिवेशन शुरू हो गई. हमारे पास इंटेंसिटी आ गई के फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू. एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो ये के नहीं आएगा. फर्स्ट की इंटेंसिटी ए स्क्वायर, सेकेंड की ए स्क्वायर और इंटेंसिटी हमारे पास आ गई 4a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 बाई टू. तो कंस्ट्रक्टिव के लिए हमारे पास मैक्सिमम के लिए 4a स्क्वायर के लिए cos दिस मच इज 1. तो ये हमारे पास ये हम इस तरीके से एनसीईआरटी में है नहीं. ओके फाइ इज इक्वल टू 2n इंटू पाई या n इंटू 2 पाई और मिनिमम के लिए n प्लस हाफ इंटू 2 पाई. 22nd क्वेश्चन. ये पहले हिंदी में है फिर इंग्लिश में. मेंशन टू प्रॉपर्टीज ऑफ सॉफ्ट आयरन विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. हाई परमिएबिलिटी, लो रिटेंटिविटी. स्टेट गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म. ये हमारे पास गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म बी डॉट डी एस इज जीरो. हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड वाई. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ई डॉट डी एस वॉज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. ओके ये आपको एक्सप्लेन करना है. अंडर व्हाट कंडीशन डज द फील्ड बिकम इक्विवेलेंट टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट. इसके लिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखा. अंडर व्हाट कंडीशन डज द फील्ड बिकम इक्विवेलेंट टू दैट प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट. इसके लिए देखो कुछ नहीं लिखा. सेक्शन डी हमारे पास वैल्यू बेस्ड आ गया. 23rd क्वेश्चन एक ही आएगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऊपर हिंदी में फिर इंग्लिश में. ये आप इसको पढ़ना. टू वैल्यूज ऑफ हरी. जो भी आपने यहाँ स्टोरी पढ़ी है उसकी टू वैल्यूज लिखनी है. ही इज़ वेरी अटेंटिव एंड केयरफुल. ही यूजेज हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड. सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज. फिर हमारे पास फिजिक्स आ जाती है. वाई इज इट दैट अ बर्ड कैन सिट ओवर अ सस्पेंडेड लाइव वायर. क्योंकि उसकी अर्थिंग नहीं होगी. सी इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम अ पावर प्लांट इज सेटअप टू अ वेरी हाई वोल्टेज बिफोर ट्रांसमिटिंग. राइट रीजन, क्योंकि वोल्टेज हाई तो करंट कम तो पावर लॉस कम हो जाएगा. ये लिखा हुआ होगा, ये पढ़ लेना आप. फिर हमारे पास सेक्शन ई में तीन क्वेश्चन हैं. लास्ट सेक्शन 5 मार्क्स के. ये हमें हिंदी में लिखा हुआ है. ये मानना कि है ही नहीं कुछ. ये दिस इज नथिंग. नाउ ये हमारे पास एक सर्किट है. फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन 1 ओम रेजिस्टर इन द गिवन सर्किट. एक सेल दो सेल पेट क्वेश्चन है किरचॉफ लॉ का. सेकेंड पार्ट पोटेंशियोमीटर आ गया. टू स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई
परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन पोटेंशियोमीटर सेपरेटली यूजिंग ये कीपिंग अदर्स. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. एक्स इंक्रीज द वैल्यू ऑफ आर, ए एक्स ने आर को बढ़ा दिया. बी वाई डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एस इन द सेटअप. हाउ विल दीज चेंजेस अफेक्ट द पोजिशन ऑफ नल पॉइंट इन ईच केस. एनसीईआरटी में और तीनों क्वेश्चन में एक एक चॉइस आएगी. ये हमारे पास फिर किरचॉफ लॉ का क्वेश्चन आ गया. दो सेल्स हैं और रेजिस्टेंसेज हैं, दो लूप्स, और ये क्या तीसरा लूप बनेगा. यूजिंग किरचॉफ लॉ कैलकुलेट द करंट इन द आर्म ए सी. इस आर्म में करंट निकालना है. 24th का ये न्यूमेरिकल किया है. एक लूप, दो लूप, तीसरा लूप. रोक के नोट करके आप इसको ट्राई करना. हमारे पास करंट आ रहा है 22 एम्पियर्स. सेकेंड मीटर ब्रिज के आंसर्स. ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द मीटर ब्रिज वर्क. मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, वाई आर मेटल स्ट्रिप्स यूज इन द ब्रिज, बिकॉज दे आर थिक. ये रहा आंसर. नेक्स्ट, ये हिंदी में ऐसे ही है. एक्सप्रेस बायट सेवर्ट लॉ. ये रहा हमारे पास बायट सेवर्ट लॉ. यूज इट टू ऑप्टेन द एक्सप्रेशन. ऑप्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पॉइंट ऑफ अ सर्कुलर कॉयल. ये हमारे पास डेरिवेशन चल रही है पूरी. ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड. इंटीग्रेट किया, ये आ गया हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड. थर्ड पार्ट, ऑल्सो फाइंड वेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री आर. ये x इक्वल टू रूट थ्री आर यहाँ पे पुट कर देंगे, या सेंटर पे. ये हमने पुट कर दिया, ठीक है. इस बच्चे ने d लिया है क्या, पुट करके ये आ गया और रेशियो निकाल लिया 8:1. ओके, और ये वाला क्वेश्चन जो इस बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया. कंसिडर अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स मूविंग विद वेरिंग स्पीड. शो दैट हाउ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी यूज टू सिलेक्ट चार्ज पार्टिकल्स इन ऑफ अ पर्टिकुलर वेलोसिटी. इसमें आपको क्या करना है, वेलोसिटी सेलेक्टर बताना है. एफ इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम से लेके वी इज इक्वल टू ई बाई बी तक करना है. नेक्स्ट, नेम अनदर मशीन डिवाइस विच यूजेस क्रॉस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. साइक्लोट्रॉन, व्हाट डज दिस मशीन डू एंड व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है. मैग्नेटिक फील्ड गोल घुमाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलेरेट करेगा. वेयर डू दिस फील्ड एग्जिस्ट इन द मशीन. ये बताना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, लेफ्ट टू राइट. ये ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ, मैग्नेटिक फील्ड इन टू द पेज या आउट ऑफ द पेज. राइट अबाउट देयर नेचर्स लिखना है. ओके, 25th क्वेश्चन के बाद 26th. ये एक क्वेश्चन है सेंट्रल मैक्सिमा का. व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट ऑफ विड्थ ए. शो दैट द डिफ्रैक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड एट द स्क्रीन बाय द इंटरफेरेंस ऑफ द वेवलेट्स फ्रॉम द स्लिट. सिंगल स्लिट दिखाना है. शो दैट बिसाइड्स द सेंट्रल मैक्सिमम, सेंट्रल मैक्सिमम हो जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा आर ऑब्टेन्ड एट ए. ये हम थ्योरी में कर चुके हैं. एंड द मिनिमा एट एन लैम्डा बाय ए. ओके, वाई डू सेकेंडरी मैक्सिमा गेट वीकर. क्योंकि छोटे छोटे स्लिट से लाइट आएगी ऑन इंक्रीजिंग एन. नेक्स्ट इज, ये पूरी डेरिवेशन है. इस फॉर्मूले को डिराइव करना है. ओके, ये डिराइव किया हुआ और एरर टू टेंसर एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस. ये सिर्फ यही वाली डेरिवेशन आती है और कोई नहीं आती है, क्योंकि और कोई हमारे सिलेबस में है नहीं. सेकेंड, एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस चेंजेस विद इंक्रीज इन वेव लेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट. फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे म्यू के टर्म्स में और हम दिखा देंगे एफ एज एफ इंक्रीजेस. या इसने दिखाया नहीं, वेन द वेव लेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेज. हाँ, यहाँ पर दिखाया है वेव लेंथ इंक्रीजेज तो म्यू क्या होता है, लैमडा नॉट अपॉन लैमडा एम इज म्यू एन. वेव लेंथ इंक्रीजेज, म्यू डिक्रीजेज तो एफ इंक्रीजेज. थर्ड पार्ट है हमारे पास, वॉट हैपन्स टू द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस वेन इट इज इमर्ज इन वाटर. कॉन्वेक्स लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मेटेरियल ऑफ लेंस इज ग्रेटर दैन दैट ऑफ द वाटर. अगर लेंस का मटेरियल ग्रेटर है तो हमारे पास क्या चेंजेस आएंगे, देखो. व्हेन द कॉन्वेक्स लेंस इज इमर्ज इन वाटर इज फोकल लेंथ इंक्रीजेस. 1/f इज ये म्यू कम हो जाएगा.
रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डिक्रीजेज, 1/f डिक्रीजेज तो f इंक्रीजेज। ये आपका हो गया 2016 का एक सेट का टॉपर का आंसर शीट, और हमने जो सीबीएसई के आंसर्स हैं वो भी एक वीडियो बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो।